एक बार लिख के उसे तकिए के नीचे रख के सो जाइए। अनेक से साधकों ने इस प्रकार की साधना की जानकारी जाननी चाहिए, जिसमें वो सिर्फ अधिक कार्य ना हो, ना उसमें ध्यान करना हो, ना उसमें हवन करना हो, लेकिन उसके परिणाम वैसे ही मिले जैसे कि उन साधनाओं के मिलते हैं जिसमें ध्यान एवं हवन की आवश्यकता होती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं एक ऐसी साधना आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ जिसे आप स्वयं से कुछ ही समय में कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप उसका अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं। जो मैंने पिछली साधना बताई थी जिसमें आपको 21 बार लिख के और उसको अपने पास संभाल के रखना था, उस साधना में क्या था, प्रत्येक मनोकामना के लिए आपको 21 बार लिखना पड़ता है और वो भी 21 दिन तक। लेकिन इस साधना में आपको इस प्रकार से कुछ भी नहीं करना है। इस साधना में आपको मात्र 21 दिन में यह साधना करनी है और प्रत्येक दिन जो निश्चित संख्या है माला की, 3 माला जो इसकी संख्या है, वो आपको करनी है और उसके बाद आप प्रतिदिन कोई भी एक कागज पे लिख कर अपनी मनोकामना सो जाएं। और इस साधना का प्रयोग किस प्रकार करना है यह वीडियो के मध्य में मैंने बताया हुआ है और इसका मंत्र भी मैंने वीडियो के मध्य में बताया हुआ है, तो पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यह साधना है नट एवं नटी की, जिसको करने से आप अनेक प्रकार की अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, अपनी भी पूरी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी अपने जानने वाले या इच्छुक व्यक्ति की भी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र को अपना एक माध्यम बनाना चाहते हैं, तो वो यह साधना ज़रूर करें जिसमें वो किसी की भी मनोकामना को, जो भी गलत नहीं है, उसे वो पूरा कर सकते हैं। मात्र उन्हें ये साधना करने के बाद उन्हें करना क्या है, एक कागज पे लिख कर बस सो जाना है अपने तकिए के नीचे रख के, कुछ ही समय में वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बस आपको यह ध्यान रखना है, यदि आप किसी व्यक्ति की अपने अलावा मनोकामना पूरी कर रहे हैं तो उसे कुछ भी ना बताएं कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। इस साधना को आपको शुभ मुहूर्त से शुरू करना है। यह साधना 21 दिन की है, आपको 3 माला प्रतिदिन करनी है और इस साधना को करने के बाद जैसा कि मैंने बताया, आप कोई भी अपनी मनोकामनाएं आजीवन पूरी करवा सकते हैं नट एवं नटी के माध्यम से। इसमें आपको अपनी मनोकामना सोचनी है और लिखनी है बस, और नट नटी के मंत्र का 7 बार जप करके सो जाना है। इसके माध्यम से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साधना रात्रि 10 बजे से की जाएगी। आप इसमें किसी भी दिशा की तरफ मुख करके यह साधना कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है खास दिशा के लिए। इस साधना के लिए आपको संस्कारित कमल गट्टे की अथवा एक श्वेतार्क की माला की आवश्यकता होगी। कुछ जो नियम हर एक साधना में रहते हैं, उन नियमों को बार बार ना पूछें। एकाग्रता से बैठना, आसन का उपयोग करना, साधना काल में धरती के स्पर्श में ना आना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये हर एक साधना का नियम है। नियंत्रण आवश्यक है
जो कि हर प्रकार से होगा। जो भी साधना मेरे द्वारा बताई जा रही है वो आप घर पे कर सकते हैं, जब तक मैं यह ना बोलूं कि यह साधना घर पे नहीं करनी है। बाकी जितनी भी साधनाएं आपको बताई गई सब की सब आप घर पर रहकर कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर कोई भी साधना अपने घर पर करें, बार बार उन्हीं प्रश्नों को ना पूछें। इससे होता क्या है कि आपकी एक तो साधना में गुप्तता ही नहीं रह जाती है, बार बार आप साधना के बीच में प्रश्न करने के बाद वो साधना कभी नहीं पूरी होगी। इसलिए उन्हीं साधनाओं को करें जो आप अच्छे से कर सकें। 21 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्रतिदिन 3 माला करनी है, श्वेतार की माला से करनी है, इसमें हवन या ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। 22वें दिन आपको जो भी आपका प्रयोग है उसे आप कर सकते हैं, और जो भी आप मनोकामना लिखेंगे वह कुछ ही समय में पूरी हो जाएगी। सांसारिक मनोकामनाएं ही लिखें, आध्यात्मिक मनोकामनाएं ना लिखें। इस तरह से ना लिखें कि जी मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। और कभी भी यह जान लें कि इस प्रकार की मनोकामनाएं ना लिखें कि मैं एक दिन में खरबपति बन जाऊं, या मैं 50,000 करोड़ की मेरी लॉटरी लग जाए, 5 करोड़ की या 500 करोड़ की मेरी लॉटरी लग जाए। उन्हीं चीज़ों को लिखें जो सांसारिक रूप से सफल होने लायक मनोकामना है। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिस जो आपके साथ गलत हुआ है उसके जीतने के लिए लिखें। आप कहीं पे एडमिशन पाना चाहते हैं, आप विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप जीवन में सुख चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, किसी को बीमारी है आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी स्वयं की बीमारी ठीक करना चाहते हैं, आप आयुर्वेद का कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी समस्या से ग्रसित हैं मानसिक शारीरिक, उसके विषय में लिखें। आपको कहीं से आय का स्रोत नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, उस विषय में लिखें। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, उस विषय में लिखें। तो वह सारी चीज़ें लिखें जो स्वाभाविक है और सांसारिक है। कृपया इस प्रकार की मूर्खता भरे विचार त्याग दें कि मेरा बिजनेस एक दिन में 50 गुना बढ़ जाए, मैं ऐसा कर लूँ वो कर लूँ। देखिए, जिनका बिजनेस है उनके लिए आय का स्रोत बड़ा है कि मेरा अधिक माल बिके, मुझे आय अधिक हो। लेकिन जिनके पास जॉब है उनके लिए आय का स्रोत एक लिमिटेड है कि उससे बड़ा वो आय का स्रोत उनका नहीं है। इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी मनोकामना ना लिखें। जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी ज़रूर होती हैं। जितने भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम दिनों की और बहुत अत्यंत फलदायी साधना है, इसलिए इस प्रकार की साधना बिना दीक्षा के ना करें तो अधिक बेहतर है। क्योंकि कम समय में और कम माला होने के कारण इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए शिविर में आए, दीक्षा लेकर इस साधना को शुरू करें। शिविर में बुलाने का कोई मेरा लोभ नहीं है आपको कि आप शिविर में आएंगे तो उससे मेरा कोई लाभ है, मुझे कोई लाभ नहीं है। हम तो वहाँ पे अपना ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अगर उसे समझ पाएंगे तो आप सफलता पाएंगे, वरना आप इसी तरीके से भटकते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। मेरा कोई निजी लाभ नहीं है आपको शिविर में बुला के। शिविर में यदि आप आएंगे तो अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेंगे, साधना की वो गुप्त विधियां प्राप्त करेंगे, वो गुप्त बातें समझ पाएंगे। आप अकेले मुझसे प्रश्न करेंगे, आपने 2 प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दे दिए। आप बार बार प्रश्न करते रहेंगे, मैं कुछ के उत्तर दे पाऊंगा, कुछ कभी मिस हो जाएंगे, तो होगा क्या, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन जब जहाँ पे 50-100 लोग बैठे रहते हैं वहाँ अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो हो सकता है कई साधक पुराने होंगे जिन्होंने ऑलरेडी साधनाएं की होंगी तो उनके अलग प्रश्न होंगे, आपके अभी नए हैं तो अलग प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न मिलते हैं, तो दोनों के जब प्रश्न मिलेंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी, अत्यधिक लाभ होगा। उस कारण से शिविर को रखा गया है जिसमें सभी लोग आके सीख सकें। और शिविर में क्या क्या सिखाया जा रहा है आप ये वीडियो के मध्य में और वीडियो के अंत में दिया हुआ है, टाइम टेबल के साथ दिया हुआ है कि किस समय क्या होगा, जिससे आपके मन में एक भी प्रश्न ना आए कि जी शिविर में होगा क्या, क्या सिखाया जाता है। सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने, सब कुछ प्रत्यक्ष है। जितना कुछ बताया जा रहा है वह सब कुछ वहाँ पे पूरी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए साधना की सफलता के लिए शिविर में ज़रूर आएँ। जो साधक नहीं आने में संभव नहीं है, जिनके आने के लिए अब
वो चाहें तो साधना को घर पे भी रह के कर सकते हैं। दीक्षा वो ले लें और अपनी साधना शुरू करें।